हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनिका फूड रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ पीनट बटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पीनट बटर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि विटामिन B6 रहता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और ये हमारे हार्ट के लिए या फिर डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारे हेयर या फिर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज मैं दो तरह के पीनट बटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक जार लिया है। इसके बाद मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ 1 कप रोस्टेड पीनट, ये 140 ग्राम है। तो चलिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए, इसे ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह का फाइन पाउडर सा बन गया है। तो हम इसे फिर से ग्राइंड करेंगे और इसे चम्मच से इस तरह से हम सभी को इस तरह से अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें ग्राइंड करना है। ये एक बार में गर्म हो जाते हैं, तो आप थोड़ा रुक रुक कर ही इसे ग्राइंड करें। तो मैं इसी के साथ इसमें थोड़ा सा जागरी डाल देती हूँ। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं या फिर इसकी जगह कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। मैंने नमक 1/4 छोटी चम्मच लिया है। उसके बाद मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून हनी। इसके बाद मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं हम। तो देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर आया है। तो हमें इसे चारों तरफ से ऊपर नीचे करके मिला लेना है। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के बाद फिर ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये कितना स्मूथ सा ये हमारा टेक्सचर हुआ है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन पीनट बटर बनकर तैयार है। तो चलिए हम बच्चों के लिए चॉकलेट पीनट बटर बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्लेन पीनट बटर लिया है और इसमें हम 1 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल देते हैं। और बस हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो देखिए ये हमारा चॉकलेट पीनट बटर तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा चॉकलेट पीनट बटर। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप कोई भी मील बना रहे हैं, आप उसमें 1 चम्मच ये डाल दें या फिर कोई भी ड्रिंक में डाल दें, ये उनको ज़रूर पसंद आता है। या फिर केक में डाल दें ये पीनट बटर। ये किसी भी चीज़ में बहुत ही अच्छा यूज होता है। और इसे आप महीने भर रख के फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होता है। तो आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दें। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले लिया है और इस पर मैं आपको चॉकलेट पीनट बटर लगा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर आया है। तो मैं यहाँ दूसरे साइड प्लेन पीनट बटर लगा देती हूँ। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा बना है। तो आप इस होममेड पीनट बटर को घर में एक बार ज़रूर बनाएं। आप इस पीनट बटर को बच्चों को ब्रेड के ऊपर लगा के दें या फिर चपाती में रोल करके दें टिफ़िन में, ये उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। ये पीनट बटर बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।